Hello everyone, myself Arpit Mishra, and today I am going to cover one more topic of aerodynamics, that is module 8. So the topic which I am going to discuss in this video session is VN diagram, okay, that is also known as maneuvering envelope. So let's proceed towards our topic. So before studying about that maneuvering envelope, we must know about at least these four things. Kya hai wo char cheeze? मैन्यूवर क्या होता है, लिफ्ट क्या है, लोड फैक्टर क्या है और डायनेमिक प्रेशर और डायनेमिक लोड क्या होता है। हमें वीएन डायग्राम को समझने से पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैन्यूरिंग की बात करते हैं, चलिए मैन्यूरिंग से पहले हम बात करते हैं स्टीडी लेवल फ्लाइट क्या होता है, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट क्या होता है। हमने पढ़ा था चार फोर्सेस एक एयरक्राफ्ट पर एक्ट करते हैं, जैसे कि लिफ्ट, थ्रस्ट, वेट, ड्रैग। ये चारों फोर्स SLF यानी कि स्टीडी एंड लेवल फ्लाइट में बैलेंस होते हैं, एक या मैं कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम में होते हैं चारों फोर्सेस। मैन्यूरिंग के केस में हम लोग इन फोर्सेस को देखते हैं कि किस तरीके से वेरी करता है। अगर मैं स्टीडी लेवल फ्लाइट में बोलूँ तो जब चारों फोर्स बैलेंस होते हैं, मतलब लिफ्ट मेरा वेट के इक्वल होता है और थ्रस्ट मेरा ड्रैग के इक्वल होता है, मतलब ये चारों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो हमारा जो लोड फैक्टर होता है उसे डिफाइन करते हैं हम रेशियो ऑफ लिफ्ट टू द टोटल वेट ऑफ एयरक्राफ्ट। अब ये वेरी करता है कैसे, अगर स्टीडी लेवल फ्लाइट है यानी कि स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट है, उस केस में लिफ्ट हमारा वेट के इक्वल होता है तो हमारा लोड फैक्टर 1 हो जाता है, n इज इक्वल टू 1 हो जाता है। मैन्यूरिंग के केस में हमें लिफ्ट ज़्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू वेट, क्योंकि हम SLF से, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट से, लेवल फ्लाइट कंडीशन से हम लोग एयरक्राफ्ट को डाइवर्ट कर रहे हैं, मतलब मैन्यूर करने वाले हैं, या तो मैन्यूर करने वाले हैं या तो पुल अप करने वाले हैं आप, या रोलिंग करने वाले हैं, तो आप मैन्यूर करने वाले हैं एयरक्राफ्ट को। तो उस केस में जो लोड फैक्टर होता है उसका वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है, मतलब लोड फैक्टर विल बिकम मोर देन 1, दैट इज एन विल बी ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ मैन्यूरिंग। तो मैन्यूर इतना फॉर टाइमिंग इतना समझना है अपने को कि अगर लेवल फ्लाइट कंडीशन है तो एन इज इक्वल टू 1, दैट इज लोड फैक्टर 1 हो जाता है, क्योंकि लिफ्ट और वेट दोनों इक्वल होते हैं। और मैन्यूर की बात है तो लिफ्ट हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो उस केस में एन जो है वो ग्रेटर देन 1 बन जाता है। ये हुई मैन्यूर की बात और लोड फैक्टर की बात। अब बात करते हैं लिफ्ट की। लिफ्ट क्या, एक परपेंडिकुलर फोर्स है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के अक्रॉस, जो मतलब एक तरह से क्या करता है, हमारे एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो डिफाइन होता है वो होता है हाफ रो वी स्क्वायर एस सी एल, ये हमारा लिफ्ट का फॉर्मूला होता है। तो लिफ्ट को आप ये भी बोल सकते हैं, ये एक तरह से क्या है, अपवर्ड फोर्स है जो आपकी बॉडी को, एयरक्राफ्ट की बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ये क्यों होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। अब यहाँ पे लिफ्ट को लेने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो अपना ये सी एल है इसको बढ़ाइए, या फिर आप अपना ये वेलोसिटी स्क्वायर है वो वी स्क्वायर मतलब इसको बढ़ाइए। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा लिफ्ट जो है वो डिपेंडेंट हो गया सी एल यानी कि लिफ्ट कोफिशियंट पे, और दूसरा वेलोसिटी स्क्वायर, इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर मुझे लिफ्ट को बढ़ाना है या तो मैं सी एल को बढ़ाऊँ या फिर मैं वी स्क्वायर को बढ़ाऊँ यानी कि वेलोसिटी को बढ़ाऊं, स्पीड को बढ़ाऊं। अब इनकी भी लिमिटेशन होगी ऑब्वियसली, अगर आप लिफ्ट बढ़ाते जा रहे हैं तो मतलब लिफ्ट बढ़ाने के लिए अगर आप सी एल को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा जो कहलाता है सी एल मैक्स, दैट इज स्टॉलिंग पॉइंट, मतलब आपका स्टॉल हो सकता है वहां पे एयरक्राफ्ट। तो उस लिमिट के बियॉन्ड तो आप सी एल को बढ़ा नहीं सकते, उस केस में आप बढ़ाना शुरू करेंगे वी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी को आप बढ़ाना शुरू करेंगे। अब देखते हैं लिमिट कैसे इस पे इम्पोज्ड होती है। तो लोड फैक्टर क्या है, अब लोड फैक्टर जैसे आपने थर्ड में देखिए, आप इसकी बात कर रहा हूं मैं, लोड फैक्टर में आप देखिए एल बाई डब्ल्यू है, मतलब एल बाई डब्ल्यू है। ये लिफ्ट का पूरा फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ तो दिस फॉर्मूला बाय वेट। अब अगेन जो मेरा लोड फैक्टर हो गया एन, वो डिपेंडेंट हो गया मेरे वी स्क्वायर पे और मेरे सी एल पे, ठीक है। तो मैक्सिमम लोड फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो वेरी करेगा सी एल मैक्स लिमिट के साथ और मेरी वी स्क्वायर, तो ये भी लिमिट इम्पोज हो गई। अब देखिए ये एन मैक्स जो है, मतलब सी एल मैक्स तो एक फिक्स वैल्यू हो गई, मेरा एक एयरक्राफ्ट जो है सी एल मैक्स मतलब क्या हो गया, स्टॉलिंग पॉइंट आ गया, इसके ऊपर अब लिफ्ट मिलेगी नहीं, ठीक है। सी एल मैक्स उसके बाद मैं सोचूंगा कि हाँ भाई अभी भी अगर चाहिए लिफ्ट आपको तो वेलोसिटी को बढ़ा लो,
ठीक है, वेलोसिटी को भी बढ़ाने के लिए एक लिमिट होगी भाई, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप। अगर वेलोसिटी बियॉन्ड द लिमिट गई तो क्या हो सकता है? अगर सीएल मैक्स, मान लो ये सीएल मैक्स का तो हमें पता है कि अब इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता एयरक्राफ्ट, मतलब इससे इस वैल्यू से ऊपर तो मैं ले जाने में बहुत दिक्कत होगी। कि मैं अब सीएल मैक्स को बढ़ाने का मतलब क्या है, एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाना। और आप एंगल ऑफ अटैक को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 to 18 मैंने रेंज दी थी, तो 15 से 18 रेंज जो है वो स्टॉलिंग एंगल की है, तो उसके उसके हिसाब से जो आपको सीएल मैक्स का वैल्यू मिलेगा उतना ही आपको मिल पाएगा। उसके बियॉन्ड अगर आपको वैल्यू ऑफ लिफ्ट को इंक्रीज करना है तो आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे। अब ये वेलोसिटी बढ़ाने का तरीका क्या है, वेलोसिटी अगर आप बढ़ाते तो इसकी भी एक लिमिट है कि आप ज्यादा वेलोसिटी नहीं ले सकते। अगर आपने वेलोसिटी को बियॉन्ड द लिमिट बढ़ा दिया, जैसे लिफ्ट कोफिशियंट की एक लिमिट वैसे वेलोसिटी की एक लिमिट, तब क्या होगा, आपका स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस पिक्चर में आएंगे। मतलब अब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होने की टेंडेंसी रखेगा। क्यों? क्योंकि आपका लोड फैक्टर भी बढ़ जाएगा। लोड फैक्टर ऑलरेडी सीएल मैक्स के साथ बढ़ रहा है, तो अगर आप और बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी को तो आपका जो लोड फैक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा और ये स्ट्रक्चर को डैमेज करने लगेगा। इसलिए हम लोगों ने डिफाइन किया कि अब हम वेलोसिटी और लोड फैक्टर को लेके एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम बता देंगे कि ये एनवेलप है, इस एनवेलप के अंदर आप अपने एयरक्राफ्ट को सेफली फ्लाई कर सकते हैं। इसलिए वीएन डायग्राम हमने बनाना शुरू किया और हर एयरक्राफ्ट का इंडिविजुअल वीएन डायग्राम कंसीडर किया जाता है। अब फोर्थ में मैंने लिखा है यहाँ पे डायनेमिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे मैं वी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो डायनेमिक प्रेशर मेरा होता है हाफ रो वी स्क्वायर, मतलब इसका अपना खुद का लोड है, तो ये भी मेरी एक लिमिटेशन हो गई। क्योंकि अगर ये वी स्क्वायर बढ़ रहा है मतलब डायनेमिक प्रेशर बढ़ रहा है, डायनेमिक प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर, डायनेमिक प्रेशर बढ़ रहा है मतलब डायनेमिक लोड बढ़ रहा है। डायनेमिक लोड मतलब क्या है, मोशन के साथ, टाइम के साथ। तो ये क्या होगा, अगर ये बढ़ता जाएगा तो लोड फैक्टर बढ़ता जाएगा, मतलब आपका डायनेमिक प्रेशर अगर, यानी कि हाफ रो वी स्क्वायर फैक्टर बढ़ता जाएगा, डायनेमिक प्रेशर बढ़ता जाएगा मतलब लोड फैक्टर बढ़ता जाएगा। अगेन अगर लोड फैक्टर बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ डायनेमिक लोड इंक्रीमेंट, तो आपका स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा, स्ट्रक्चर फेल होना शुरू हो जाएगा। फेल मतलब अब आपका विंग टूट सकता है, टेल प्लेन्स वगैरह टूट सकते हैं। इस कंडीशन में मतलब आपका एयरक्राफ्ट पहुंच जाएगा कि आपका, अगर ये डायनेमिक प्रेशर भी बढ़ गया। तो मैंने ये ओवरव्यू दिया आपको वीएन डायग्राम पढ़ने से पहले, इसलिए हमने वीएन डायग्राम बनाया क्योंकि हमें लोड फैक्टर का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी देखना था, क्योंकि सीएल मैक्स लिमिट तक तो हम पहुंच गए, लेकिन उसके बाद अगर लिफ्ट में कुछ चाहिए तो वी यानी कि वेलोसिटी से कैसे वेरिएशन होता है वो देखने के लिए हमने हर एयरक्राफ्ट के लिए वीएन डायग्राम बना के रखा है। अब आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट वाइज की वीएन डायग्राम क्या बोलता है। वीएन डायग्राम को और भी बोलते हैं दूसरे नाम से, मैन्यूरिंग एनवेलप। तो पहला पॉइंट बोलता है, मैन्यूरिंग एनवेलप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑपरेटिंग लिमिट ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड इज यूज्ड टू, पहला ये आपको डिजाइन रिक्वायरमेंट बताएगा, ओके नए एयरक्राफ्ट की डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या है इसके बारे में बताएगा, फिर आपका परफॉर्मेंस ऑफ उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का क्या है उसके बारे में बताएगा, एंड थर्ड आपको कंपेयर करके देगा कैपेबिलिटी दूसरे एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में। तो हमने देखा वीएन डायग्राम से हम लोग, एक तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विद इन द लिमिट, जो ऑपरेटिंग लिमिट है एयरक्राफ्ट की उसको डिफाइन करते हुए, तो उसके साथ साथ ये आपको क्या बताएगा, आपको बताएगा डिजाइन की रिक्वायरमेंट, एक नए एयरक्राफ्ट की डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट डिजाइन रिक्वायरमेंट, सेकेंड परफॉर्मेंस उस एयरक्राफ्ट का कैसा है मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया, और कंपेयर करेगा डिफरेंट एयरक्राफ्ट से उस पर्टिकुलर न्यू एयरक्राफ्ट को। तो ये हम वीएन डायग्राम से अचीव करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, यस इन ऑर्डर टू गेट द, पहले तो मैन्यूरिंग एनवेलप को वीएन डायग्राम भी बोला जाता है। वीएन डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग लोड फैक्टर वर्सेस वेलोसिटी के बीच में, उसके साथ ही हम उसे क्या पाते हैं, हम लोग डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या है एक नए एयरक्राफ्ट की वो अचीव करते हैं, देन परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उस एयरक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरर ने बना के दिया उसको अचीव करते हैं, देन कंपेयर करते हैं हम उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ कि क्या वेरिएशन है या क्या चेंजेस हैं जो हम वीएन डायग्राम से चेक कर पा रहे हैं। देन इस तरीके से हमारा वीएन डायग्राम दिखता है। आगे और भी पिक्चर्स हैं, तो पहले इसमें देखते हैं, इसी से आप समझिए क्या क्या है। तो आप ये एक्सिस देखिए, ये है वाई एक्सिस जिस पे आप देख रहे हैं लोड फैक्टर ड्रॉन है, ठीक है, ये आप देखिए एक्स एक्सिस जिस पे आपका इंडिकेटेड एयर स्पीड ड्रॉन है, मतलब यहाँ पे स्पीड दिखाई हुई है और ये लोड, तो यही एक
चार्ट हो गया जो स्पीड और लोड फैक्टर के बीच में ड्रॉ है, इसे बोलते हैं वी एन डायग्राम। अब जिस तरीके से लिमिटेशन की बात करते हैं, तो पॉइंट ए आपका क्या है, स्टॉल स्पीड बता रहा है, यानी कि स्टॉल स्पीड के बारे में बात करेगा। बी आपका मैन्यूरिंग स्पीड बता रहा है, ठीक है, ये भी, और सी भी हमारा एक्चुअली ये आपका मैन्यूरिंग स्पीड ही बताएगा। तो अब देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें दी हुई हैं। पहले देखिए, जितना ये जीरो से जो 0 पॉइंट है, अगर मैं बी तक बात करूं, 0 से 20 तक मेरा स्टॉल रीजन रहेगा, ये वाला पार्ट जो रहेगा मेरा स्टॉल रीजन रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे बॉटम में भी ये स्टॉल रीजन रहेगा, ये जो भी पूरा एरिया रहेगा, मतलब इस लाइन से अगर मैं बोलूँ ये पूरा एरिया जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इस एरिया को अगर रुकिए, मैं एक और बेहतर वे है, मैं इस बी में इसे पूरा हैशिंग लाइन से अगर दिखाता हूँ, ये पूरा मेरा स्टॉल रीजन रहेगा, मतलब एयरक्राफ्ट मेरा इस रीजन में नहीं फ्लाई कर पाएगा, ठीक है, मेरा एयरक्राफ्ट इस रीजन में नहीं फ्लाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं सी तक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे हैश लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये पूरा रीजन मेरा स्टॉल रीजन रहेगा, मैं इस रीजन में एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, मेरा एयरक्राफ्ट इसके अंदर फ्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टॉल तक पहुंच चुका होगा, ठीक है। अब ये इतना आपने समझा, आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो बी पॉइंट है, जहां पे आप देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो आपकी ये स्टॉल वाली लाइन और दूसरी आपकी ये वाली लाइन जो स्ट्रक्चरल डैमेज को ब्लॉक में दिखा रखा है, इसको बोलते हैं लिमिट लोड लाइन। ये वाली जो लाइन है इसे लिमिट लोड लाइन मिलते हैं, अगले डायग्राम में मैं आपको शो करूंगा इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर डैमेज दिखा रखा है, मतलब दो लिमिट के बीच में ये स्ट्रक्चर डैमेज है। डैमेज मतलब हो सकता है बेंडिंग जैसी चीज देखने को मिले, ठीक है, डैमेज मतलब बेंडिंग हो जाए, विंग में बेंडिंग हो जाए, टेल पेन सेक्शन में बेंडिंग हो जाए। लेकिन अगर रेड जोन आप जितना देख रहे हैं ना, ये रेड वाला पार्ट आपको इंडिकेट कर रहा है अब स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, मतलब टूट के गिरने लगेगा, ठीक है। उसके साथ ही और देखते हैं इसमें, ये आपका दे रखा है नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज के लिए, ये आपके मैक्सिमम VNO, ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड रहेगी। उसके साथ ये VN ही है, देखिए नेवर एक्सीड स्पीड, ये VN ही इंडिकेट कर रहा है कि इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। आप चाहें तो VNO और VNE इन दोनों के बीच में रह सकते हैं, जिसे बोला जाता है कॉशन रेंज। गेटिंग माई पॉइंट, बोल रहा है ये कि आपको एक है VM, मतलब VNO जो कि है आपकी मैक्सिमम स्ट्रक्चर क्रूज स्पीड, आप इसे बोल सकते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है, यानी कि ये स्पीड एक्सेप्टेबल है। इसके साथ है दूसरी स्पीड मैं जानना चाहता हूँ VNE, जो नेवर एक्सीडिंग स्पीड, मतलब ये क्या है, रेड लाइन लिमिट हो गई, इसके बियॉन्ड मैं नहीं ले जा सकता अपने एयरक्राफ्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट ब्रेक होने लगेगा उसका स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच में एक कॉशन रेंज है, मैं कुछ वक्त के लिए इस रेंज में रह सकता हूँ, ये कॉशन रेंज है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने एक चीज ये देखी, स्ट्रक्चर डैमेज वाला पार्ट देखा, और जो हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है, ये पूरा ये वाला एनवेलप है, मतलब आपका एयरक्राफ्ट सेफली फ्लाई कर सकता है इस लाइट ग्रीन कलर में जितना एरिया शो कर रखा है, ये आपका एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे से फ्लाई कर सकता है, यही हमारा सेफ फ्लाइट जोन है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस डायग्राम में इतना ही, आगे बढ़ते हैं और डायग्राम में और पॉइंट कवर अप करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। नाउ द ऑपरेटिंग फ्लाइट स्ट्रेंथ ऑफ एन एयरप्लेन इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ VG और VN डायग्राम, या तो इसको VG डायग्राम बोलेंगे या VN डायग्राम। GB ऑब्वियसली लोडिंग को डिफाइन करता है, इसलिए कुछ एयरक्राफ्ट में इसे मतलब VG डायग्राम भी बोला जाता है। तो V डिनोट द एयर स्पीड, G और N डिनोट द लोड फैक्टर, आपका G या N दोनों ही लोड फैक्टर को डिनोट करते हैं, जो हम VN डायग्राम पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से आपको फ्लाइट स्ट्रेंथ बताता है एक पर्टिकुलर एयरप्लेन की। यू माइट फाइंड द VG डायग्राम इन योर फ्लाइट मैनुअल इफ यू आर फ्लाइंग अ हाई परफॉर्मेंस फाइटर, तो आप कह सकते हैं VG डायग्राम अगर आपको मिलेगा, वो मिलेगा फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, बाकी VN आप कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए भी देखने को मिलेगा, ठीक है। देन VG डायग्राम लीड टू द कॉर्नरिंग स्पीड एंड दैट अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम परफॉर्मेंस फ्रॉम योर एयरक्राफ्ट विदाउट ब्रेकिंग इट। अब इसके लिए हम लोग पीछे की तरफ, यानी कि पहले डायग्राम देखते हैं, जो मैंने आपको ये बी पॉइंट दिखाया, ये मैन्यूरिंग स्पीड कहलाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉर्नर वेलोसिटी का पॉइंट, ठीक है, ये हमारी कॉर्नर वेलोसिटी का पॉइंट रहेगा बी पॉइंट। आप देख लीजिए कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट, जहां पे आपका स्टॉल लिमिट और लिमिट लोड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, बी पॉइंट आपका कॉर्नर वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा।
ठीक है, ये पॉइंट इसको इंडिकेट कर रहा है। अभी आगे डायग्राम आएगा और बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा। तो वीजी डायग्राम क्या कर रहा है, आपको कॉर्नरिंग स्पीड के बारे में बता रहा है, दैट अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम परफॉर्मेंस फ्रॉम योर एयरक्राफ्ट विदाउट ब्रेकिंग इट। ये पॉइंट आपको बता रहा है कि आप इस पॉइंट तक तो ठीक है, इस पॉइंट के बियॉन्ड जाएंगे तो आपका एयरक्राफ्ट ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप फ्लाई करते हैं तो आपका एयरक्राफ्ट बेटर परफॉर्मेंस देगा, मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा बिना उसको ब्रेक किए। मतलब आपका कोई भी पार्ट इसमें एयरक्राफ्ट का ब्रेक नहीं होगा इस कॉर्नरिंग स्पीड पे अगर आप फ्लाई करते हैं तो। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, अगर इस स्पीड से ऊपर नीचे हुए तब क्या हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ईच एयरप्लेन टाइप हैज इट्स ओन पर्टिकुलर वी एन डायग्राम विद स्पेसिफिक वी एंड एंस। मैंने बताया हर एयरक्राफ्ट का अपना स्पेसिफिक वी एन डायग्राम होगा, कुछ उसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी होंगी और कुछ स्पेसिफिक लोड फैक्टर रहेंगे। और वी एन डायग्राम वैलिड किसके लिए है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपका स्पेसिफिक वेट, कॉन्फिगरेशन एंड एल्टीट्यूड। वी एन डायग्राम इज वैलिड फॉर स्पेसिफिक वेट, कॉन्फिगरेशन एंड एल्टीट्यूड। इन तीनों के रेस्पेक्ट में ही आप वी एन डायग्राम को वैलिड पाएंगे, क्योंकि आप इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट के लिए इंडिविजुअल वी एन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इट इज वैलिड फॉर स्पेसिफिक वेट, कॉन्फिगरेशन एंड एल्टीट्यूड। नाउ अब देखिए ये डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका कॉर्नर वेलोसिटी पॉइंट बता रहा है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आप कॉर्नर वेलोसिटी बोलेंगे। कौन सा पॉइंट है ये, इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, ये जो लाइन कर्व स्टार्ट हुआ 0 से लेकर 7.5 तक, ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए ए पॉइंट है ये। ठीक है, तो ए पॉइंट जहां पे मिला वो मिला आपका स्टॉल रीजन, ये कर्व आपका स्टॉल वाला है। तो स्टॉल वाला जो कर्व जा रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ दैट स्टॉल कर्व विद पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर, ठीक है, पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर एंड योर स्टॉल रीजन जो स्टॉल वाला कर्व है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको देगा कॉर्नर वेलोसिटी और मैन्यूरिंग स्पीड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर के अलावा आपको दिया हुआ है एक अल्टीमेट लोड फैक्टर। ठीक है, एक आपको पॉजिटिव लोड फैक्टर दिया है और एक पॉजिटिव अल्टीमेट लोड फैक्टर दिया है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये आपका एक लिमिट लोड फैक्टर है जिसमें आपको कॉर्नर वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कॉर्नर वेलोसिटी मिल जाएगी। अब आगे क्या होगा, इससे बियॉन्ड अगर आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे, ये दोनों का जो बीच का रीजन है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर का डैमेज वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। मतलब बेंडिंग जैसी चीजें देखने को मिलेंगी एयरक्राफ्ट में। वो किस रेंज तक मिलेंगी, वो मिलेंगी अल्टीमेट लोड फैक्टर की रेंज तक। अब अल्टीमेट लोड फैक्टर की रेंज तक तो आप एयरक्राफ्ट को ले जा सकते हैं, नो डाउट। आप ले गए वहां तक किसी वजह से, तो वहां पे क्या है, आपको बेंडिंग या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बट अगर इस अल्टीमेट लोड फैक्टर से बियॉन्ड गए, जैसे कि 11.25 वैल्यू दी हुई है, इससे ऊपर अगर आप निकल गए तब आपका स्ट्रक्चर फेलियर जैसा कंडीशन आ जाएगा। मतलब अब स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास बेस्ट, मतलब देखा जाए जो मैक्सिमम वो हो गया आपका इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कि आप इसमें रह सकते हैं बट यहाँ पे भी डैमेज जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। इट इज नॉट नोन एज बेस्ट फ्लाइट एनवेलप, क्योंकि इसमें भी आपको डैमेज जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हुई पॉजिटिव की, सिमिलरली नीचे नेगेटिव के लिए भी डिफाइन किया हुआ है, नेगेटिव लोड लिमिट लोड फैक्टर एंड नेगेटिव अल्टीमेट लोड फैक्टर। अब ये नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, देखिए पॉजिटिव मतलब आप एंगल ऑफ अटैक पॉजिटिव लेके ऊपर की तरफ चल रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ठीक है, इस तरीके से एंगल ऑफ अटैक है, ये पॉजिटिव जोन हो गया आपका पूरा। नेगेटिव जोन क्या है आपका, एंगल ऑफ अटैक नेगेटिव है, मतलब अपसाइड डाउन आ रहे हैं आप, तो आपका ये डाउन में बनता हुआ दिख रहा है लोड फैक्टर, तो वहां पे भी ऑब्वियसली लोड पड़ेगा, तो उसके बारे में डिफाइन किया गया नीचे ये नेगेटिव में। तो ये जो ये बात हुई हमारी इस डायग्राम में, आपने ये देख लिया कि लिमिट लोड फैक्टर एक चीज है जो जिसका इंटरसेक्शन विद रेस्पेक्ट टू स्टॉल स्टॉल लाइन आपको कॉर्नर वेलोसिटी देगा, और ये वो पॉइंट है जिसके बियॉन्ड आप मतलब एयरक्राफ्ट को अगर लेके जाते हैं तो डैमेज हो सकता है मेरा एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर। उसके बाद एक पॉइंट आएगा अल्टीमेट लिमिट लोड फैक्टर, अगर उस पॉइंट तक एयरक्राफ्ट पहुंच गया तब भी डैमेज रहेगा, लेकिन इसके बियॉन्ड गया तो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, द प्रेजेंटेशन ऑफ द एयरप्लेन स्ट्रेंथ इज कॉन्टिंजेंट ऑन 4 फैक्टर बींग नोन। मतलब आपका प्रेजेंटेशन ऑफ एयरप्लेन की स्ट्रेंथ जो है वो 4 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला एयरक्राफ्ट का ग्रॉस वेट, देन एयरक्राफ्ट का कॉन्फिगरेशन, मतलब फ्लैप और लैंडिंग गियर किस पोजिशन पे है, एक एग्जाम्पल के तौर पर,
देन सिमेट्री ऑफ लोडिंग, लोड कैसा है, सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिक लोडिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे, सिंस अ रोलिंग पुल आउट एट हाई स्पीड कैन रिड्यूस द स्ट्रक्चरल लिमिट टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ अ सिमेट्रिकल लोड लिमिट, इतना रिड्यूस कर देता है, तो सिमेट्रिकल लोडिंग हो गया। दूसरा एप्लीकेबल एल्टीट्यूड, तो आपको क्या याद रखना है, चार फैक्टर हैं जिस पे हमारा एयरप्लेन का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। पहला, एयरक्राफ्ट का ग्रॉस वेट कितना है, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस एल्टीट्यूड पे वो फ्लाई कर सकता है, और दूसरा सिमेट्री ऑफ लोडिंग। ठीक है, देन चेंज इन एनी ऑफ फोर, इन चारों में से कुछ भी चेंज हुआ तो आपका ऑपरेटिंग लिमिट चेंज हो जाएगी। ओके, अ चेंज इन एनी वन ऑफ दीज फोर फैक्टर कैन कॉज इंपॉर्टेंट चेंज टू द ऑपरेटिंग लिमिट। जो भी ऑपरेटिंग लिमिट डिजाइनर ने, मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन करके रखी होगी, वो एकदम चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चार फैक्टर क्या हुए, ग्रॉस वेट, कॉन्फिगरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, एप्लीकेबल एल्टीट्यूड एंड सिमेट्री ऑफ लोडिंग। दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑन विच एयरक्राफ्ट डिपेंड। नाउ सिंस द मैक्सिमम लोड फैक्टर वेरीज with the square of air speed, the maximum positive lift capability of this airplane 4G at 200, 9G at 300 knot and 16G at 400 knot. इस point को पहले second point से समझिए। Load factor is equal to L by W. ये formula मैंने जैसे पहले ही slide में बताया, half rho V square SCL divided by W. मैंने lift की जगह lift का formula लग दिया, तो मेरा जो N है, load factor है, वो मेरा directly proportional है इस समय CL के और V square के। ठीक है, यहाँ पे ये क्या चाहता है, सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा है कि जो लोड फैक्टर है वो आपका वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही इसमें पॉइंट में उसने बोला है कि एनमैक्स जो है वो, यानी कि लोड फैक्टर, जो मैक्सिमम लोड फैक्टर है एनमैक्स से मैं बात कर रहा हूँ, वेरी विद द स्क्वायर ऑफ एयर स्पीड। तो एन जो है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एयर स्पीड। तो जैसे जैसे ये वेरी होगा उस हिसाब से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब हम एक डायग्राम देखते हैं जिसमें वो बता रहा है, अगर एन की वैल्यू 4G हो गई, ये मैंने आपको पहले भी बताया था लोड फैक्टर की वैल्यू कैसे आपको लिफ्ट और वेट में, जैसे आपका जैसे से फ्लाइट, अब ये 4G है मतलब मैन्यूरिंग की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली 1G होता तो हम SLF में होते, 1 से ऊपर गया मतलब मैन्यूरिंग में आ गए, 4G मतलब जो आपका लिफ्ट हाई है वेट के कंपैरिजन में, इसलिए 4G। सिमिलरली 9G अगेन लिफ्ट लोड फैक्टर का वैल्यू बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। सिमिलरली अब इस पे 4G पे स्पीड क्या रहेगी वो उसने दिखाया हुआ है, देखते हैं कैसे। ये कर्व देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर n, ये यहाँ पे लोड फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, तो 1 हो गया, 1 पे आपका पर्टिकुलर 1G पे कोई वैल्यू रहेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 100 है। ठीक है, उसके बाद उसने बताया n जब 4 हो जाएगा तो 4 पे मेरा 200 तक आ जाएगा ये, ठीक है, 4 हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रहा हूँ मैं इसमें, हाँ, तो यहाँ पे अगर जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, मतलब 4G अगर लोड फैक्टर का वैल्यू 4 हुआ तो इसका वैल्यू 200 हो जाएगा। ओके, जब आप स्ट्रेट लाइन इसे अच्छे से ड्रॉ करके देखेंगे तो यू विल फाइंड व्हेन लोड फैक्टर विल बिकम 4 द वैल्यू ऑफ स्पीड विल बिकम दिस 200। सिमिलरली आप 4 के बाद उसने दूसरी वैल्यू जो दी, आप वैल्यू रखते जाएंगे, आपको उसमें जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलती जाएगी। ऐसे उन्हें 9 पे बताया कि 9 पे जाएंगे तो आपको करीबन 400 मिलेगा, फिर उससे ऊपर जाएंगे 16 पे जाएंगे तो करीबन 400-500 तक मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू उसने दी हुई है। आप चेक कर लीजिए एक बार दिस वैल्यू, कि उसने 4 पे 200 बोला, 9 पे 300 नॉट बोला, 16 पे 400 नॉट बोला, तो दीज आर द वैल्यूज यू विल गेट विद रेस्पेक्ट टू योर लोड फैक्टर। तो अब देखिए जो मैं आपको डिफाइन कर रहा था पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर और नेगेटिव लिमिट लोड फैक्टर के बारे में, तो देखिए ये है आपका पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर जिसकी लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी 7.5 पे, ठीक है, और जो पॉइंट ए और बी की मैं बात कर रहा, तो देखिए यहाँ पे डिफाइन किया पॉइंट ए और ये डिफाइन किया पॉइंट बी। वी एन डायग्राम के अंदर ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ए भी और पॉइंट बी भी, क्योंकि पॉइंट ए आपका कॉर्नर वेलोसिटी डिफाइन करता है और वी एन डायग्राम का स्पेशल इंटेंशन होता है कॉर्नर वेलोसिटी के बारे में जानना, क्योंकि इसके बियॉन्ड स्ट्रक्चर डैमेज स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कॉर्नर वेलोसिटी कैसे मिलती है, आपका ये जो कहते हैं स्ट्रॉल की लाइन है, यानी कि जो आपको लिफ्ट पॉजिटिव लिफ्ट मिल सकती है, तो पॉजिटिव लिफ्ट या स्ट्रॉल वाली लाइन इंटरसेक्शन विद रेस्पेक्ट टू लिमिट लोड फैक्टर विल प्रोवाइड यू कॉर्नर वेलोसिटी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वी एन डायग्राम। अब पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये है पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर और ये है मेरा अल्टीमेट लिमिट लोड फैक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच का रीजन देखिए आप, स्ट्रक्चरल डैमेज एरिया उसने शो करके रखा है, गेटिंग, ये आपका इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो है स्ट्रक्चर डैमेज एरिया। मतलब मैं पॉइंट ए के बारे में जान जाता हूं तो उससे मुझे क्या पता लगता है, यहाँ पे मेरा पॉइंट ए मतलब क्या, एन मैक्स है, मैक्सिमम लोड फैक्टर मिलेगा आपको सीएल मैक्स की वैल्यू के साथ।
ठीक है, सी एल मैक्स भी यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो एन मैक्स और सी एल मैक्स आपको पॉइंट ए पे मिल जाएंगे, ठीक है। इससे ऊपर अगर आप गए तो आप देखिए स्ट्रक्चर आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अब एक बार आप चले भी गए तो उसके बाद अगर आप अल्टीमेट लोड फैक्टर को रिड्यूस मतलब बड़ा मतलब उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेट लिमिट लोड फैक्टर के बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको स्ट्रक्चरल फेलियर एरिया मिल जाएगा, यानी कि 11.25 एज पर दिस डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से अगर एन मेरा 11.25 तक पहुंच गया तो मेरा इसके बियॉन्ड जाने के बाद मेरा स्ट्रक्चर फेल होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट ए के बारे में जानना। पॉइंट ए पे मेरा लिमिट लोड फैक्टर रहेगा, उसके ऊपर जाऊंगा तो बेंडिंग जैसी चीजें मतलब एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में बेंडिंग जैसी चीजें देखने को मिलेंगी, डैमेज एरिया हो जाएगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर लिमिट रहेगी अप टू अल्टीमेट लिमिट लोड फैक्टर, उस अल्टीमेट लिमिट लोड फैक्टर के बियॉन्ड अगर मैं जाऊंगा जैसे कि 11.25 वैल्यू दी है, स्ट्रक्चर फेलियर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको थोड़ा समझा वी एन डायग्राम का। सिमिलरली ये नेगेटिव में भी अप्लाई होता है, नेगेटिव लिमिट जैसे ये दे रखी है नेगेटिव लिमिट लोड फैक्टर, उसके बाद दूसरा आपका ये नेगेटिव अल्टीमेट लिमिट लोड फैक्टर, इसके बियॉन्ड अगर जाएंगे आप तो आपको स्ट्रक्चर फेलियर एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए लिफ्ट एरिया दिया हुआ है, मैक्सिमम पॉसिबल लिफ्ट एरिया, मतलब आपको इस कर्व पे देखेंगे तो आपको जो है लिफ्ट जो है अप्लाई होती हुई दिखती जाएगी, मिलती जाएगी, बेटर लिफ्ट आपको मिलेगी। तो आपको 1G पे एक पर्टिकुलर लिफ्ट मिलेगी, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको स्टॉल होता जाएगा, ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट आपको स्टॉल होता हुआ दिखेगा बियॉन्ड आप जाते जाएंगे। जैसे जैसे आपका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, सी एल मैक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा और स्टॉल एरिया बढ़ता जाएगा। एयरक्राफ्ट आपका इस लाइन पे तो फ्लाई कर सकता है, मतलब लाइन के अंदर फ्लाई कर सकता है, लेकिन इस एरिया में नहीं फ्लाई कर सकता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्लाइट एनवेलप, इस एनवेलप के अंदर आपका एयरक्राफ्ट अच्छे से फ्लाई करेगा, इसके बाहर फ्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद हम और एक पॉइंट कवर करेंगे, देखते हैं अभी आगे, ठीक है। तो देयर आर टू पॉइंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन वी एन डायग्राम, जैसे मैंने बताया पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों इंपॉर्टेंट है, वो उसके बारे में बात करेंगे अब। पॉइंट बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ नेगेटिव लिमिट लोड फैक्टर एंड द लाइन ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव लिमिट लिफ्ट कैपेबिलिटी। तो देखिए ये डायग्राम रहा आपका, ये बात कर रहा है पहले पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी उसने क्या बताया आपको, ये जो आपका लिफ्ट है मैक्सिमम नेगेटिव लिफ्ट कैपेबिलिटी की जो लाइन जा रही है मतलब ये कर्व है, इसका इंटरसेक्शन विद रेस्पेक्ट टू नेगेटिव लिमिट लोड फैक्टर, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको दे रहा है क्या आपको कॉर्नर वेलोसिटी। पॉइंट बी क्या है, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ नेगेटिव लिमिट लोड फैक्टर एंड द लाइन ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव लिफ्ट कैपेबिलिटी। एनी एयर स्पीड ग्रेटर देन पॉइंट बी प्रोवाइड अ नेगेटिव लिफ्ट कैपेबिलिटी सफिशिएंट टू डैमेज द एयरप्लेन। एनी एयर स्पीड लेस देन पॉइंट बी डज नॉट प्रोवाइड नेगेटिव लिफ्ट कैपेबिलिटी सफिशियंट टू डैमेज द एयरप्लेन फ्रॉम एक्सेसिव फ्लाइट लोड। इस पॉइंट को अभी आगे समझते हैं जैसे डायग्राम में हम देखेंगे, अभी मैं बताता हूं। नाउ ओके, नाउ पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर एंड द मैक्सिमम पॉजिटिव लिफ्ट कैपेबिलिटी, जो आपका स्टॉल रीजन वाला कर्व रहेगा उसकी बात कर रहा है, लाइन ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव लिफ्ट कैपेबिलिटी। देन द एयर स्पीड एट दिस पॉइंट इज द मिनिमम एयर स्पीड एट विच द लिमिट लोड फैक्टर कैन बी डेवलप्ड एरोडायनेमिकली। तो यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया आपको मैन्यूरिंग स्पीड और आपकी कॉर्नर वेलोसिटी। ये एयर स्पीड एक पॉइंट ए पे जो एयर स्पीड है वो आपकी मिनिमम एयर स्पीड है जिस पे आपका लिमिट लोड फैक्टर जो है वो एरोडायनेमिकली डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, एनी एयर स्पीड ग्रेटर देन पॉइंट ए, पॉइंट ए से अगर ज्यादा आपकी एयर स्पीड हो गई तो आपको क्या मिलेगा, ये एयरप्लेन डैमेज होने की कंडीशन रखेगा, और उससे कम रही तो पॉइंट ए डज नॉट प्रोवाइड पॉजिटिव लिफ्ट कैपेबिलिटी सफिशिएंट टू कॉज डैमेज फ्रॉम एक्सेसिव फ्लाइट लोड। अगर उससे कम हुई तो आपका एयरक्राफ्ट डैमेज नहीं होगा। अब इन दोनों पॉइंट को जो ये दोनों डैमेज और ना डैमेज की बात कर रहे हैं वो हम डायग्राम से बेहतर तरीके से समझेंगे। नाउ यूजुअल टर्म ए और टर्म गिवन टू द स्पीड एट पॉइंट ए इज द मैनुअल स्पीड। मैंने बताया पॉइंट ए को आप मैनुअल स्पीड बोलेंगे या फिर कॉर्नर वेलोसिटी बोलेंगे। मैनुअल स्पीड इज द वैल्यूएबल रेफरेंस पॉइंट सिंस एन एरोप्लेन ऑपरेटिंग बिलो दिस पॉइंट कैन नॉट प्रोड्यूस अ डैमेजिंग फ्लाइट पॉजिटिव फ्लाइट लोड। इस पॉइंट के नीचे आपका एयरक्राफ्ट जो फ्लाई कर रहा है वो
अच्छी तरीके से फ्लाई करेगा, उसमें कोई डैमेज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। नाउ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्यूवर एंड गस्ट, गस्ट क्या है, आपका एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और सडन एटमोस्फेरिक गस्ट नीचे से आ गया, गस्ट मतलब एक एटमोस्फेरिक हम्प है जिसने आपके एयरप्लेन को डाइवर्ट कर दिया, एक पर्टिकुलर एंगल पे उड़ रहा था और एक हवा ने उसको मतलब नीचे से पुश किया तो वो ऊपर की तरफ हो गया, मतलब एंगल ऑफ अटैक थोड़ा और बढ़ गया। नाउ द एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्यूवर एंड गस्ट कैन नॉट क्रिएट डैमेज ड्यू टू एक्सेस एयर लोड वेन द एयरप्लेन इज बिलो द मैन्यूअर स्पीड। अगेन अगर इस पॉइंट ए से नीचे उड़ रहा है एयरक्राफ्ट तो मैन्यूअर और गस्ट भी उसको मिलकर एयरक्राफ्ट को उसके पाथ से डाइवर्ट भले ही कर दें लेकिन डैमेज कंडीशन में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप सारे पॉइंट को देखिए, पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है, पहले हम पॉइंट बी की ही बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ नेगेटिव लिमिट लोड फैक्टर एंड योर ये मैक्सिमम नेगेटिव लिफ्ट कैपेबिलिटी या फिर स्टॉल रीजन वाला। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको पॉइंट बी दे रहा है। अब पॉइंट बी का ऊपर नीचे की बात क्या कर रहा है, वो पॉइंट बी के अगर आप ऊपर मतलब ये माइनस थ्री से आप जाते हैं -4.5 की तरफ। ठीक है, इसकी तरफ जाते हैं तो जब आप इधर जाएंगे तो -3 से जैसी आप ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब और वैल्यू नीचे की तरफ लेके आएंगे -3 के बाद -4 की तरफ आप जैसी मूव करेंगे आपका एयरक्राफ्ट जो है वो डैमेज रीजन में आ जाएगा, वो मतलब धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा क्योंकि यहाँ पे आ गया आपका अब नेगेटिव लिमिट लोड फैक्टर से आप बियॉन्ड आने लग गए। ठीक है, इस लिमिट लोड फैक्टर से बियॉन्ड आ गए मतलब आपका डैमेज एरिया जो आपको स्ट्रक्चर डैमेज एरिया दिख रहा है वहां पे आप आ गए तो अब आपका एयरक्राफ्ट जो है डैमेज होने लगेगा। बट अगर इस पॉइंट से यानी कि पॉइंट बी से यानी कि -3 वाले वैल्यू से आप नीचे की तरफ रहते हैं, नीचे की तरफ मतलब ये -2 वाली रेंज में रहते हैं। ठीक है, -2 वाली रेंज में रहते हैं तो इस रेंज में अगर आप रहते हैं तो आपका एयरक्राफ्ट भले ही स्टॉल वाले रीजन में होगा, ठीक है, लेकिन आपका डैमेज नहीं हो सकता एयरक्राफ्ट क्योंकि डैमेज रीजन आपका शुरू होता है इस बी पॉइंट के बाद। आपका एयरक्राफ्ट बी से नीचे है तो एटलीस्ट वो स्टॉल कंडीशन में हो सकता है लेकिन उस पे डैमेज वाला कोई सीन क्रिएट नहीं होगा। अब आते हैं पॉइंट ए पे बात करते हैं। अगेन पॉइंट ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर एंड योर मैक्सिमम पॉजिटिव लिफ्ट कैपेबिलिटी और स्टॉल कर्व। इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको पॉइंट ए देता है, यह मैन्यूरिंग स्पीड और आपका कॉर्नर वेलोसिटी इसी को बोलते हैं। अब अगेन पॉइंट ए से अगर बियॉन्ड गए मतलब 7.5 वैल्यू से मैं ऊपर गया 8 वैल्यू पे है ना या फिर 11.25 के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर मैं रहा तो यहाँ पे मेरा क्या स्ट्रक्चर डैमेज वाला ही रीजन आ गया, मतलब 7.5 से मैं अगर 8 पे भी गया तो मेरा एयरक्राफ्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा। बट अगर मैं 7.5 से नीचे यानी कि 6 वाली वैल्यू पे आ गया, ठीक है, 6 वाली वैल्यू पे सिक्स वाली वैल्यू पे आ गया 7.5 से नीचे आ गया तो मेरा एयरक्राफ्ट भले स्टॉल रीजन में आ जाए, ठीक है, बट उसमें क्या होगा डैमेज नहीं होगा, वो एयरक्राफ्ट डैमेज कंडीशन से बाहर होगा भले ही वो कहीं पे जाए, उसमें एटमॉस्फेरिक हम्प और मैन्यूरिंग दोनों ही उसका कॉम्बाइन भी हो जाए तब भी मेरे एयरक्राफ्ट को डैमेज कंडीशन से बचा के रखेंगे भले ही वो स्टॉल हो। स्टॉल को कंट्रोल किया जा सकता है बट अगर डैमेज कंडीशन रीजन में हम पहुंच गए जहां पे स्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस है वो अनकंट्रोलेबल रहेगा। ये था उन दोनों पॉइंट्स का मतलब। तो आपको अभी ये समझा होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी कितने इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉइंट ए पे और बी पे आपको एन मैक्स की लिमिट और एन मिनिमम की लिमिट पता लगती है, यहाँ पे बी पे आपको एन मिनिमम की लिमिट पता लगती है, पॉइंट ए पे एन मैक्स की लिमिट पता लग रही है, एन मैक्स के साथ ऊपर आपको सी एल मैक्स की लिमिट पता लग रही है और नीचे सी एल मिनिमम की लिमिट पता लग रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बियॉन्ड अगर आप गए तो आपका स्ट्रक्चर एयरक्राफ्ट का डैमेज हो जाएगा, इसके नीचे रहे तो आपका एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा भले ही उन्हें दूसरी डिफिकल्टी देखने को मिले बट डैमेज से वो बाहर आ जाएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये अगेन यहाँ पे मैन्यूवरिंग स्पीड दिखा रखी है, ये वाला पॉइंट आपको मैन्यूवर स्पीड यानी कि कॉर्नर इसके रेस्पेक्ट में आप देखिए तो कॉर्नर वेलोसिटी का पॉइंट है ये, इसलिए उसने मैन्यूवर स्पीड इस पे दिखा रखा है। ये वाला रीजन टोटल उसने स्टॉल रीजन बताया, नीचे और ऊपर दोनों में आप देख सकते हैं ये स्टॉल रीजन बता के रखा है। ठीक है, इस रीजन में आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करना नॉट अलाउड है लेकिन मैंने बताया अगर इस रीजन से आप नीचे हैं तो आपका डैमेज नहीं होगा भले स्टॉल हो जाएगा एयरक्राफ्ट। ठीक है, डैमेज नहीं होगा लेकिन इस पॉइंट के ऊपर गए आप तो आपका एयरक्राफ्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। नाउ एट एनी स्पीड बिलो कॉर्नर स्पीड द एयरक्राफ्ट कैन नॉट बी ओवर स्ट्रेस्ड।
अगेन पॉइंट ए की बात कर रहा है वो कि अगर कॉर्नर स्पीड से आप नीचे हैं तो आपका एयरक्राफ्ट पे ओवर स्ट्रेस नहीं होगा, कि मतलब डैमेज नहीं होगा। इट विल स्टॉल बिफोर द लिमिट लोड फैक्टर इज रीच, वो स्टॉल हो जाएगा लिमिट लोड फैक्टर पहुंचने से पहले, बट वो नीचे ही है, डैमेज तो अभी भी नहीं हुआ। अबव कॉर्नर स्पीड, अब आप पॉइंट ए के बियॉन्ड गए, ऊपर जो कि आपका लिमिट लोड फैक्टर को क्रॉस कर गए, मतलब आप आ गए अब किसमें, लिमिट लोड फैक्टर और अल्टीमेट लिमिट लोड फैक्टर के बीच वाली रेंज में, ठीक है, जो कि डैमेज एरिया है। तो अबव कॉर्नर स्पीड हाउ एवर द एयरक्राफ्ट कैन एक्सीड द लिमिट लोड फैक्टर बिफोर इट स्टॉल, स्टॉल होने से पहले ही वो आपका जो लिमिट लोड फैक्टर का वैल्यू है वो मतलब एक्सीड कर जाएगा, मतलब अब कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आपका एयरक्राफ्ट भले स्टॉल ना हुआ हो लेकिन क्या है, अब वो लोड फैक्टर एक्सीड कर चुका है, मतलब अब वो स्ट्रक्चर उसका डैमेज होने लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एट कॉर्नर स्पीड पे ही, मतलब उस पॉइंट ए के ऊपर ही एयरक्राफ्ट लिमिट लोड फैक्टर विल बी रीच एट द लोएस्ट पॉसिबल एयर स्पीड। अगर आप सिर्फ कॉर्नर स्पीड पे, तो आपका क्या है वो एन मैक्स है, मैक्सिमम लोड फैक्टर है, सी एल मैक्स है, मैक्सिमम लिफ्ट कोफिशिएंट, और सी एल मैक्स मतलब आपका वी मिनिमम, स्टॉल स्पीड मतलब मिनिमम स्पीड, आपके पॉसिबल लोएस्ट पॉसिबल एयर स्पीड है, उससे नीचे आप नहीं फ्लाई कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ऑब्वियस स्टॉल स्पीड को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, वो मिनिमम एयर स्पीड है, मिनिमम पॉसिबल एयर स्पीड है। तो आप अगर कॉर्नर स्पीड, यानी कि आप अगर उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट ए पे हैं जहां पे आपका एन मैक्स एग्जिस्ट करता है, एन मैक्स के साथ साथ सी एल मैक्स एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे जो आपका वी है वो मिनिमम होगा, वी स्टॉल है, वो मिनिमम एयर स्पीड है, वहां पे आप मिनिमम एयर स्पीड पे फ्लाई कर रहे होंगे। नाउ ये अगला पॉइंट बोलता है, टू एन एयर कॉम्बैट पायलट कॉर्नरिंग स्पीड इज द पॉइंट वेयर द पायलट कैन पुल इन अ पिच एक्सिस विदाउट फियर ऑफ स्टॉलिंग और ओवर स्ट्रेसिंग द एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसिंग द टाइटेस्ट पॉसिबल टर्न। ये कौन सा, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होते हैं, अगर कॉम्बैट पायलट है, ठीक है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाइट करता है, उसके लिए कॉर्नर स्पीड क्या है, वो ऐसा पॉइंट है जिसमें वो पुल कर सकता है पिच, यानी कि कॉलम को अपनी तरफ खींचेगा और पुल करना चाहेगा बिना किसी डर के, ना स्टॉल का डर होगा ना ओवर स्ट्रेस का डर होगा, और उसे पॉसिबल टाइट टर्न लेना है, एयरक्राफ्ट को टाइट टर्न करना है, तो वो पॉइंट कॉर्नर स्पीड उसकी लैंग्वेज में ये डेफिनेशन रहेगी। मींस इट इज द पॉइंट वेयर द पायलट कैन पुल इन द पिच एक्सिस विदाउट फियर ऑफ स्टॉलिंग और ओवर स्ट्रेसिंग द एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसिंग द टाइटेस्ट पॉसिबल टर्न। बहुत बढ़िया, उसे टर्न मिल जाए एकदम टाइटेस्ट पॉसिबल, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट को टर्न करने के लिए आपको बहुत मतलब बेहतर टर्न रिक्वायर्ड होता है, मैन्यूरिंग आपको हाई लगती है उस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, तो उन पायलट के लिए ये स्पीड का पॉइंट इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। नाउ अब बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस, जो अभी तक हम देख रहे थे, अब हम देखेंगे जेट इंजन एयरक्राफ्ट के लिए स्पेसिफिकली, यानी कि अब हम कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए स्पेसिफिकली देखते हैं क्या है। ऑन वर्टिकल एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट इज प्लॉटेड द लोड फैक्टर, अभी हमने देखा लोड फैक्टर है वर्टिकल एक्सिस पे, विच गिव्स द लिमिट लोड फॉर द एयरक्राफ्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लाइट में वो लिमिट लोड देगा, मतलब ठीक है। अब दीज लिमिट विल वेरी बिटवीन डिफरेंट एयरक्राफ्ट टाइप, बट फॉर कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अब ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए वो वैल्यू रहेगी 2.5G से -1G, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई +2.5G और नेगेटिव वैल्यू हो गई -1G, ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं किसके लिए, कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए, ओके, क्या 2.5G और -1G, ठीक है, कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए आपकी ये वैल्यू है वो सॉरी हम लोग बहुत आगे, ओके हाँ है अभी बार ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, तो यहाँ पे क्या है, ये जनरली अराउंड रहेगा किस वैल्यू के, पॉजिटिव 2.5G एंड -1G, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, एग्जाम में भी पूछी गई है एक बार, ठीक है। तो कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए लोड फैक्टर का वैल्यू है प्लस साइड में 2.5G, ये लिमिट लोड फैक्टर का वैल्यू है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, और ये नेगेटिव लिमिट लोड फैक्टर डिफाइन किया -1G, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, लोड टू बी एक्सपेक्टेड इन सर्विस
कितना लोड एक्सपेक्ट है उस सर्विस में, मतलब फ्लाई करते समय, और लोड कितना अप्लाई हो रहा है, उन दोनों का डिफरेंस कि इस पे फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप डिफाइन करते हैं। अगर आप ब्रिज वगैरह देखते हैं, जो मतलब जो फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं, उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत हाई रहता है, 10 to 12 तक जाता है। एयरक्राफ्ट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर एन एयरक्राफ्ट इज 1.5। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन कैसे करते हैं, ये डिफाइन करते हैं, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन लोड टू बी एक्सपेक्टेड इन सर्विस एंड अप्लाइड लोड एट विच स्ट्रक्चर विल फेल। इन दोनों का डिफरेंस आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखता है। मतलब आप डिफाइन कर रहे हैं कि इस बीच में मेरा एयरक्राफ्ट सेफ रहे, वो रेंज अगर आप डिफाइन करें, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो दो हैं, आपका लिमिट लोड फैक्टर और अल्टीमेट लिमिट लोड फैक्टर का जो बीच का डिस्टेंस है, वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। यही हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि इसके बीच में एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है, डैमेज होगा, लेकिन टूटेगा नहीं, स्ट्रक्चर पूरा खत्म नहीं होगा। तो वही रेंज आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, वहां तक लिमिट लोड फैक्टर से अल्टीमेट लिमिट लोड फैक्टर तक आप लेके जा सकते हैं एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को। तो इट इज द डिफरेंस ऑफ लोड टू बी एक्सपेक्टेड इन सर्विस माइनस अप्लाइड लोड एट विच एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर विल फेल। आप देखिए सेम ये देख रहे हैं आप, 2.5G दिखाया हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर का वैल्यू है 2.5G, ठीक है। और ऊपर दिखा रखा है ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, यह है आपकी अल्टीमेट लिमिट लोड फैक्टर। आप देखिए ऊपर दिखा के भी रखा है ये अल्टीमेट लोड फैक्टर, ये आपका अल्टीमेट लोड फैक्टर हो गया। ये कैसे फाइंड हुआ ये भी देखिए, 2.5G आपको लिमिट लोड फैक्टर है देखा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी एयरक्राफ्ट का 1.5 है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 × 1.5 आप जब करेंगे तो आपको 3.75 मिलेगा। गेटिंग 2.5 × 1.5 यू विल गेट 3.75, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एयरक्राफ्ट का तो फिक्स है 1.5, उन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेंगे तो आपको अल्टीमेट लोड फैक्टर मिलेगा। जितने रीजन में आपको ये दिखाया हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रीजन, ये आपका वो रीजन है जहां पे एयरक्राफ्ट आपका फ्लाई करेगा, डैमेज जोन में एयरक्राफ्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और देखिए आप ऊपर लिखा भी है जेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए हम ये VN डायग्राम देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं तो देखिए ये हो गया आपका परमानेंट स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन, यहाँ पे डिफॉर्मेशन आपके स्ट्रक्चर में आ जाएगी एयरक्राफ्ट के, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल फेलियर, अब आप इससे बियॉन्ड गए अगर, मतलब आप ये तो आपने देखा पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर, ये वाला पॉइंट आपने देखा अल्टीमेट लोड फैक्टर 3.75 जो है, तो 2.5 और 3.75 इसके बीच में अगर एयरक्राफ्ट है तो सिर्फ डिफॉर्मेशन होगी, मतलब बेंडिंग जैसी चीजें होंगी, लेकिन अगर आप इससे बियॉन्ड गए तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अगेन लोड फैक्टर के लिए आपका वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे आपका आपका स्पीड है, एयर स्पीड है। ओके नाउ ओके, टू प्रोवाइड अ सेफ्टी मार्जिन अगेंस्ट स्ट्रक्चरल डैमेज ऑल एयरक्राफ्ट आर बिल्ट टू विदस्टैंड लोड्स अप टू 1.5 टाइम्स द लिमिट लोड विदाउट अकरिंग एनी स्ट्रक्चरल फेलियर। जैसे कि मैंने बताया फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 रहेगा, दिस इज नोन एज अल्टीमेट लोड लिमिट। मैंने आपको बताया आपका लिमिट लोड फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल गिव यू अल्टीमेट लोड फैक्टर, तो आपको मिल जाएगा। तो फॉर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए इसका वैल्यू होता है 3.75 एंड -1.5G, मतलब ये वाला नेगेटिव वैल्यू के लिए है और ये वाला पॉजिटिव के लिए है, ठीक है। पॉजिटिव ऊपर की तरफ और नेगेटिव नीचे, जो नेगेटिव डायग्राम। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए आपका ये हुआ, उससे पहले आपने देखा 2.5 आपको कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए दिखाया था, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए आप जब आप अल्टीमेट लोड फैक्टर देख रहे हैं, अल्टीमेट लिमिट लोड देख रहे हैं, वो आपके लिमिट लोड फैक्टर थी, पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर का वैल्यू था और ये अल्टीमेट लोड लिमिट का फैक्टर वैल्यू है, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव लिमिट लोड से मल्टीप्लाई करके आपने देखा कि आपको ये जो है ये पॉजिटिव लिमिट लोड फैक्टर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, इसको आपने 1.5 से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेट लोड फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया पॉजिटिव में, नेगेटिव में आपका नीचे रहेगा, ठीक है। तो वो नीचे की डिफाइन किया हुआ है 1.5, ठीक है, वो आपको याद रखना। देखिए 1 दिया हुआ है नेगेटिव लिमिट लोड फैक्टर आपका रहेगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए 1G, ठीक है, -1,
और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अल्टीमेट लोड फैक्टर आ जाएगा 1.5। ओके, दैट इज क्लियर आई थिंक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 1.5 जी आपको इस तरीके से मिला अल्टीमेट लोड फैक्टर का वैल्यू। ठीक है, देन इन बिटवीन लिमिट लोड एंड द अल्टीमेट लिमिट लोड इज अ स्ट्रक्चरल डैमेज एरिया। जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट कि लिमिट लोड फैक्टर और अल्टीमेट लिमिट लोड फैक्टर के बीच का जो एरिया है वो स्ट्रक्चरल डैमेज एरिया है। दिस एरिया कवर द बिल्ट इन सेफ्टी मार्जिन, बट एज इट इज अबव लिमिट लोड सम डैमेज विल अकर। क्योंकि ये एरिया क्या है, लिमिट लोड से ऊपर है तो डैमेज तो होगा ही होगा। ठीक है, भले ही ये सेफ्टी मार्जिन देता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला पार्ट है, सेफ्टी तो रहेगी आपका एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर, लेकिन डैमेज होगा। दिस कैन रेंज फ्रॉम पुल्ड रिवेट्स जस्ट अबव द लिमिट लोड टू बकलिंग एंड पैनल फेलियर जस्ट बिलो द अल्टीमेट लोड। अगर आप अल्टीमेट लोड, देखिए क्या बोल रहा है, आपके रिवेट भी बाहर आ सकते हैं जस्ट लिमिट लोड के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए लिमिट लोड का वैल्यू था 2.5, 2.5 से ऊपर मतलब जस्ट ऊपर गए, 2.7 पकड़ लेते हैं, 2.5 से 2.7, 2.7 तक आपको देखने को मिल सकता है पुल्ड रिवेट, और पुल्ड रिवेट से आप देख सकते हैं बकलिंग तक, बकल भी हो सकता है मतलब बेंडिंग जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। फिर बके जो पैनल फेलियर है वो आपको देखने को मिल सकता है आपको अल्टीमेट लोड के जस्ट नीचे, मतलब 3.75 के जस्ट नीचे। एक बार डायग्राम देखते हैं, वहां से एनालाइज कर लेते हैं हम लोग कि क्या बोल रहा है इस पॉइंट पे। ये देखिए, ये आपका 2.5 है लोड फैक्टर, तो इससे जस्ट ऊपर 2.7 अगर हुआ तो आपका, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन आएगा तो रिवेट वगैरह निकलते हुए देख सकते हैं आपको। ठीक है, 2.7 तक, ठीक है, 3.7 आपका अल्टीमेट लोड फैक्टर, इसके जस्ट नीचे मतलब 3.6 पकड़ लेते हैं, 3.6 पे आपका पैनल फेलियर जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, यही आपको इस पॉइंट पे बोल रहा है। तो लिमिट लोड फैक्टर से जस्ट ऊपर आपका 2.5 से आपका 2.4 और 2.3 भी आप समझ, सॉरी 2.5 से ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2.5 से 2.7 तक अगर आप जाएंगे तो रिवेट आपके बाहर आते हुए देखेंगे, रिवेट आपके निकल सकते हैं और बकल हो सकता है और पैनल फेलियर हो सकता है आपका अल्टीमेट लोड के जस्ट नीचे, मतलब 3.75 के जस्ट नीचे, मतलब 3.6 तक मान के चलिए। अल्टीमेट लोड फैक्टर तक पहुंचने से पहले आपका बकल और पैनल फेलियर जैसी कंडीशंस एयरक्राफ्ट में आ जाएंगी। सो गाइस, मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये वी एन डायग्राम इज अ बिगेस्ट टॉपिक, सो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा अपने अपकमिंग सेशन में। वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, फिर सेकेंड वीडियो का आप वेट करिए, मैं सेकेंड वीडियो के साथ आता हूँ वापस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।